आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ आम पन्ना की रेसिपी। सो हेलो एवरीवन, मम्मी की रसोई हिंदी चैनल में आप लोग का स्वागत है। अब गर्मियों के मौसम में ठंडा ठंडा आम पन्ना मिल जाता है, पीने का तो मज़ा आ जाता है। बहुत ही आसान तरीके से बताया है, तो आप लोग भी एक बार इस रेसिपी को जरूर बनाकर ट्राई करिएगा। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। स्पेशल आम पन्ना। आम पन्ना बनाने के लिए हम ले लेंगे 2 कच्चा आम। तो रॉ मैंगो की हमने ले लिया। इसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से धो लेंगे। धो लेने के बाद हम इसको सारे छील लेंगे। छील लेने के बाद आप लोग इसको बीच में से कट लगाकर पूरे पीसेस पे निकाल सकते हैं। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप लोग ज़्यादा खट्टा वाला आम यूज़ ना करें, थोड़ा मीठा हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है आम पीने में। तो सबको आप लोग को निकाल लेना। तो इस तरीके से कट करिएगा, एकदम अच्छे तरीके से निकल जाएगा। अगर आप लोग में बीज है तो बीज को निकाल दीजिएगा। सबको हम निकाल लेंगे। अब हम इसको कुकर में डाल देंगे। हल्का सा पानी डालकर इसमें 2 सीटी आ जाने दे देंगे। मतलब आप लोग अच्छे तरीके से इसको पका लेना है। ऐसा करने से जो जल्दी बन जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। ये पक गया, सबको निकाल देंगे। इसको बनाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो आप लोग एक बार बना कर रख लीजिएगा और जब मन करे तब आप लोग पीते रहिएगा। बहुत ही टेस्टी लगने वाला है। इस पानी को आप लोग फेंकिएगा मत, आम वाला पानी है। उधर हम ले लेंगे पुदीना को, फ्रेश ताज़ा आप लोगों को पुदीना ले लेना है। अब हम एक ले लेंगे मिक्सी का जार, इसमें डाल देंगे आम को, साथ में पुदीना को भी डाल देंगे। एकदम आप लोग को फ्रेश पुदीना लेना है। अगर आप लोग ज़्यादा मात्रा में बनाना चाहते हैं तो आप लोग ज़्यादा ज़्यादा लेकर स्टोर कर सकते हैं। भुनी हुई जीरा को, आधा चम्मच काला नमक को, आधा चम्मच आप लोग को लेना है काली मिर्च जीरा पाउडर को, और आधा चम्मच आप लोग को लेना है सफ़ेद वाला नमक को डाल देंगे। ये नॉर्मली मसाले सभी लोगों के घरों में रहता ही रहता है। तो अब हम इसमें डाल देंगे चीनी एज पर योर टेस्ट। चीनी डालकर अब हम क्या करेंगे, हल्का सा पानी डालकर इसको पीस लेंगे। पूरा आप लोग एकदम फाइन सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। तो बस ये पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको बड़ा सा बॉल में निकाल देंगे और हम अब इसमें डालेंगे ठंडा ठंडा फ्रिज का पानी। साथ में आप लोग चाहे तो बर्फ़ के टुकड़े भी डाल सकते हैं। इसको ठंडा ठंडा में ही पिया जाता है, तभी मज़ा आता है पीने में। गरम गरम में पियेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। ऊपर से नींबू को डाल देंगे और सब तैयार करने के बाद हम इसको फ्रिज में आधा घंटा तक छोड़ देंगे। आधे घंटे बाद हम इसको सर्व कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी, माउथ वाटरिंग, माउथ मेल्टिंग रेसिपी है। तो आप लोग एक बार इस रेसिपी को बनाकर जरूर ट्राई करिएगा। आई होप कि आप लोग को बहुत ही अच्छा लगने वाला है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। बनाइए, एंजॉय करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।